सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। मेरा नाम है सोनू मिश्रा, मैं गृहिणी हूँ और YouTube पे मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम है माँ का घर। आप सबको मुझे बताते हुए आज ये बहुत ही खुशी मिल रही है कि बिहारी खाना चैनल से मुझे इनविटेशन आया कि मैं कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर के आऊँ। तो आज का जो मेरा ये रेसिपी है वो बिहारी खाना चैनल के लिए है और आप सबसे मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि मेरा चैनल जो है माँ का घर, आप लोग उस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरा जो चैनल है माँ का घर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिहार में तो बहुत सारा खाना है लेकिन उसमें एक फेमस खाने की लिस्ट में आता है आलू कुम्हरौड़ी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू कुम्हरौड़ी की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनता है। आइए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg आलू लिया है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है और अगर आपके पास ये छोटा आलू अवेलेबल हो तो इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है सब्जी। और अगर ये छोटा अवेलेबल ना हो तो आप बड़े साइज के आलू भी ले सकते हैं, बट इसको नाइफ की सहायता से नहीं बल्कि अपने हाथों की सहायता से ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है ऐसे। और इस छोटे आलू में हमें नाइफ की सहायता से छोटा छोटा कट लगाना है ऐसे, ताकि मसाला इसके अंदर में एब्जॉर्ब हो सके। ये है कुम्हरौड़ी, ये बिहार का बहुत ही फेमस आइटम है और आपने स्वीट पेठा तो बहुत ही खाया होगा। तो वही जो पेठा होता है, कच्चा पेठा में मैंने बेसन मिक्स करके ये वड़ी बनाया है। इसकी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। यहाँ मैंने लिया है 2.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टोमेटो को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने और 2 चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ लिया है मैंने तीखा 1 चम्मच। अगर आपको तीखा खाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच लिया है जीरा पाउडर, 1 चम्मच लिया है किचन किंग और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच मिक्स मसाला। मिक्स मसाला डालने से सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर गर्म मसाला। यहाँ मैंने लिया है 5 प्याज, उसको बिल्कुल बारीक इस साइज़ में कट कर लिया है। हमारा पेन गर्म हो चुका है, मैंने इसमें एक चम्मच तेल डाला। अब मैं इसमें ये वड़ी डालूंगी और इसे हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है बिल्कुल हाई फ्लेम पे। ये हमारा रोस्ट हो चुका है, मैं इसे निकाल लूंगी। यहाँ मैंने डाला है 4 चम्मच तेल, इसको अच्छे से हम पेन में फैला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 तेज़पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच हींग और 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग, मिक्स मसाला और टमाटर कटा हुआ इसमें मिक्स करके और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक हमारा मसाला तेल छोड़ना स्टार्ट ना करे। बीच बीच में इसको मिलाते भी रहें ताकि नीचे से हमारा मसाला जले ना, और इसको ऐसे मैश भी करते रहें। मसाला से तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है, हमारा मसाला भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल हाई फ्लेम पे 2 मिनट पका के अपना ये बॉयल किया हुआ आलू इसमें हम डाल देंगे। हमने सही से मसाले में इस आलू को लपेट दिया है और मैं इसे 3 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। अब मैं इसमें अपना डालूंगी कुम्हरौड़ी और अपना जीरा पाउडर डाल के और सही से मिक्स कर लेंगे। अब इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें 5 मिनट तक फ्राई करना है और 1-1 मिनट पे इसको चलाते रहे ताकि नीचे से हमारा मसाला जले ना। मैं आप इसमें ग्रेवी अपने अनुसार ही ऐड करें। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी ऐड किया है क्योंकि बॉयल आलू थोड़ा सा ये पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बाकी आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ही पानी इसमें यूज़ करें। और इसे हमें 6 से 7 मिनट तक कम से कम पकाना है ताकि ये जो हमारा वड़ी है ये अच्छे से फूल जाए। देखिए हमारी सब्जी में कितने अच्छे से उबाल आ चुका है और हमारा ये वड़ी भी फूल चुका है अच्छे से कुम्हरौड़ी। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और इसके ऊपर में हरी धनिया का गार्निश करेंगे
और गरम मसाला डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसका हम आप प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने मेरे वीडियो को कितना एंजॉय किया। थैंक यू।